दब तकेशी's कासल इन हिंदी। अरे ये तो वो करते थे ना इतना मस्त जजेंद्र मामंत्र नहीं लेगी। हाँ, बू। 34 साल बाद सनी देओल के भी कमबैक से बड़ा। इसकी गोई में। कमबैक करने आ गया है तकेशी's कासल। कौन सा कासल? और इसे मैं होस्ट कर रहा हूँ, टीटू। ए बेटा, मोशी मोशी। सबसे मेन कासल का नाम है तकेशी, जिसकी सुरक्षा करते हैं नुन्नू मुन्नू और चुन्नू। प्रोडक्शन की चाय में मिला झिंगा, आज बहाऊंगा खून की गंगा। आदि पुरुष के VFX को टक्कर देते हुए लौट आए हैं चंदू चिकना और फरदीन फुग्गा। ई बार डबल मजा आएगा और ससुरा ई मजा हम सबको देना चाहते हैं। और ये अपने आप को संभालते हुए और ये ले गया, ये पूरा प्रोडक्शन का खर्चा ले गया। गई मौसी पानी में। ओ, आ गए कैप्टन तानी। इनको जॉइंट पेन और मोतिया बिंदु के बावजूद यहाँ पे आना पड़ा। हाँ, जापान की करीना जो नहीं चाहती गटर का पानी पीना। ये पंखा चला दो यार। देखते हैं इस गेम में किसे मिलती है हार और कौन जाता है सीधा चांदनी बार। मजा आएगा, आ जाओ। My mom sister entered the room. You know how I greeted her? Hello. No. Mossy Mossy. ये number 1, ये number 2, ये number 3 और ये है number 4. अनगिनत तरीके हैं यहाँ अपनी इज्जत का फालूदा कराने के, भजिए बिकवाने के, बैंड बजाने के, मुख में हाथ में तुड़वाकर हॉस्पिटल में भर्ती होने के और टोक्यो के टॉप डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेकर स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल से छुट्टी लेने के। जो लोग ये सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं वो कृपया जावे जाफरी से संपर्क करें। गडरिया तालाब में धुलेंगे पाप, आंख वाले हो जाएंगे सूरदास, होगी इतनी पिटाई के गिरना आएगा रास। भैया यहाँ कुछ नहीं होता हासिल, ये है तकेशी's कासल। जमाल कोटे का डोज ले लिया, बताओ। नॉक नॉक में अपने सर से करना नॉक। मशरूम ट्रिप पर चुल्लू भर पानी ना मिले तो तालाब में डूब मत। ब्रिज बॉल में पिटने का विश्व रिकॉर्ड बनाना, फिर सुरंग से निकल कर शोडाउन में आना और उसके बाद जहन्नुम में जाना। यो भैया, जनरल के 100 चंपू और चंपूनिया निकल पड़े हैं स्लिपरी वॉल की तरफ। भैया दौड़ के आइए, दीवार पर चढ़िए और पार जाइए। जैसे गुलाब चंद जा रहा, जैसे ये चश्मे चंडोल पहुंच गया। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ते चले चले भाई। ऊपर चढ़ने के लिए रस्सियां हैं, लेकिन कीचड़ में से गुजर कर आना फिर गीली दीवार पर चढ़ना इतना ही आसान काम है जितना दलदल से बाहर आना। मैलो, तू तो गया। भैया कोशिश जारी है लेकिन काम भारी है और जमीन चिकनी है। लालचंद लपाड़िया, स्लो मोशन में देखिए, ये साइकिल चला रहा है, कहाँ की पता नहीं, रिवर्स आया, निकल लिया। ये क्या कर रहा है? मुंह पे थोबड़े पे यार। ओहो, कलावास कलंदर। और ये हो गए अंदर। यहाँ हर औरत की कामयाबी के पीछे एक मर्द का कंधा होता है, लेकिन मर्द तो अंधा होता है और ये लटकी रही है। अरे देखा, इनकी भी खिंचाई हो गई। और ये ऊपर आइए, और ये देखिए, जैसे पता नहीं कौन से पहाड़ चढ़े जा रहे हैं। अरे आहा, पांडे जी की जय। ओहो, गाल भी मेकअप लगा लिया। जनरल के नाचते के रिप्ले में देखिए, जो जंपे वो सिकंदर और जो डूबे वो हरियाला बंदर। क्या म्यूजिक दिया हो। और अब म्यूजिक क्या बैंड बजेगा स्लिप डिस्क में।
जनरल का हुक्म मिलते ही खिलाड़ी दौड़े, मच्छर मार धुआं छोड़ा गया, लेकिन पागलों को तो एटम बम भी नहीं रोक सकता। फिर धुआं क्या चीज है भैया, हमला करते हुए चढ़ गए सीढ़ियों के ऊपर। ये सीढ़ियां खड़ी और बहुत छोटी हैं, लेकिन जीत का जुनून इन पर भारी है। खिलाड़ी सर को झुकाए अपने रिंग्स को बचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अबे मैं गार्ड हूं बे, भूल गए थे, गार्ड्स की गन्स जो है रिंग्स की ताक में। ये गार्ड्स, ये जो ऑल टोक्यो कंपटीशन होता है उसके जो विनर्स होते हैं वो यहाँ पे आके गार्ड चल पड़ी है। और रांची रिप्ले में देखिए, कभी तो नजर मिलाओ हमें अपनी रिंग दिखाओ। और अब गेम हो जाएगा तेज इन स्क्वायर मेज। आज प्रतियोगियों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, चार दरवाजे बंद होंगे और गार्ड होगा सिर्फ गंजा शामू। प्रतियोगी दरवाजा खोलता हुआ आया, अरे बाप रे, और उसका बन गया सीरी पाया। ये देखिए पट्टी शामू की आंखों पर भी बंधी हुई है और ये खिलाड़ी मर गया। पर ये कर क्या रहा था भाई, पैर पकड़ रहा था या छोड़ो। सूरदासी चश्मा लगा लो मुनिया, इनकी अंदर आई। आज का ये राउंड किस्मत राउंड है क्योंकि शिकार और शिकारी एक दूसरे को देख नहीं सकते। गंजा इंतजार करता रह गया और पिंकी मेघ से गुजरती हुई बाहर आ गई और जीत की खुशी में दीवार को टक्कर मार दी। देखो मुनिया तुम बाहर आ चुकी हो, अब तो पट्टी खोल दो। अरे मुंह से तो बहुत पहलवान हाय बोल लिया कि बाय बोल लिया भाई। भैया हम समझेंगे पार हो गया और तुम निकल लोगे घर को, है सीधा दीवार से गले मिलकर पट्टी बजी और सामने के सिकंजी में आ गए भाई। ले भाई ऊंट पार के नीचे आता है ये तो सामू के नीचे आगे पीछे सब आ गए भाई। अब बच्चे की जान लेगा भाई पहलवान। अब चलिए आंटी, गंजे शामू ने जगह बदल ली और आंटी उधर ही चल पड़ी। शामू आवाज सुनकर मुड़ा पर आंटी त्रिभिन्नाट हो गई और शामू नीचे खड़ा रह गया और आंटी ऊपर खिसक गई। शामू भी चटिया रह गया, पहुंच गया ऊपर। आंटी ने दरवाजा खोला और शिकंजा कस गया। इन्हें आवे अंदर जावे छे मगन भाई, अंदर बनने की बहुत प्रीति से। अरे बनी गंजा भाई क्या आ रहे छे, भैया तो दिखता ही नहीं। एम पाछड़ती आवे छे मगन भाई, रास्ता ढूंढवा मगन छे। गंजा भाई भी वही रास्ता थी आवे छे, यहाँ थी मगन भाई गयो। मगन भाई गोल ने पाछे पहुंची गया। ये भाई जल्दी कर ले, पाछड़ती गंजो काका आवी रिया छे। आवी गया मगन भाई बात, गंजो काका भी बरोबर कुत्ते का जैसा सूंघता सूंघता आवी गया। मगन भाई ने पत्थर चूके पट्टी उतारी, गंजे काका ने भी काट दी। जा भाई जा समझ लो, में किस्मत वाली पिंकी आंटी गंजे शामू के सामने से निकली, पीछे वाले मेज से निकली और शामू को पता चले बगैर बाहर भी आ गई। पर क्या नसीब इसी तरह साथ देगा स्किपिंग स्टोन्स में। जनरल ने बुलाया और कालू कुकरेजा दौड़ा चला आया, मीडियम स्पीड के साथ स्टार्ट दिया है, पहला जंप लगाए फिर लड़खड़ाए और घूमकर तालाब में समाए। मैडम हक्का नूडल पहला कदम, ये दूसरा और ये तीसरे में पानी को छोड़कर बुलबुले उड़ा दी। ओह बल्लू बंजारा हाथ में कागज में लपटे हुए भजिए, अरे भजिए तो इसके बिक गए भाई। ये देखिए स्लो मोशन में अरे हाय कमर का कचुंबा। अरे नेक तार है ददलानी, अरे अंधा का जैसा नहीं चलो चढ़िया अभी अंदर घुस जाता था। अरे मीनू तुमको टीवी पे देखता है नाक निकटाओ, अभी ददलानी को दाद तो दो बाबा। इनको दाद क्या इसको तो खुजली भी देगा लचकरण। और ये है चतुर चरण, चरण इतने चतुर नहीं लग रहे इनके, लेकिन चले जा रहे हैं। चला जाता हूँ किसी की धुन में निकल गए। ओहो शॉर्ट रेंज का सुपरमैन, केप छोटा है इसलिए ज्यादा नहीं उड़ सकता, बस इतना ही रेंज। ओहो और इनकी तो कार्बोरेटर में कचरा लग रहा है, ये देखिए। इंजन डाउन, ओह आधा नीला और आधा पीला, क्या बात है। ओह और ये हो गया पूरा गीला।
साफ चिगरी प्ले में देखिए एक कलंक, ये सुपरमैन के नाम पे कलंक नहीं तो और क्या, कलंकना, कलंकनी हो सकती तो कलंकना क्यों, कलंकना। ओहो सुपरमैन देखेगा तो इन्हीं पत्थरों पे तुझे पटक पटक की तरह प्रतिमा बना देगा। नॉक नॉक में बढ़ते हैं, दौड़ पड़ा है पहला जाबाज, कड़ी से ज्यादा उबल रहा है, मारी जंप और दिन में तारे नजर आ गए। इनके जंप मारते ही एम्बुलेंस का सायरन बजना शुरू हो गया। ओहो शीतल भाभी इतनी जोर से टक्कर मारी कि खुद ढेर हो गई, वो संभाल कर खड़ी हुई, रास्ता बदल कर दूसरी टक्कर मारी और मिल गया पागल खाने का टिकट। और दूसरा जवान मारी दौड़, मातृभूमि को चूमा लिया आशीर्वाद, आगे दूसरे द्वार भी पार, भैया ये आखिरी दरवाजा पकड़ कर चल रहे हैं, अब द्वार बदला और अपना कंधा तोड़वाने में सफल। ओ आई आंटी जी पूरी बाबरी, ये तो हेलमेट के अंदर भूकंप आ गया, हवा में उड़कर ऐसी टक्कर मारी, ये देखिए कि एम्बुलेंस पागल खाने की निकल पड़ी। ओए तोड़ा की इरादा है पाजी, पहला दरवाजा तो पार कर लेता और दूजे दरवाजे नु भी पार कर लेता, बारी हैगी, ओए बारी हैगी अस्पताल की, ओए खोते दे चंपू। मिस्टर रेड फ्लैग ने पहला दरवाजा पार कर लिया, धरती मैया से प्रेम प्रकट करके आगे चले, दूसरा दरवाजा भी पार कर लिया, अभी डील स्क्रू टाइट करके बढ़े और तीसरा दरवाजा भी पार कर लिया, अब सिर्फ एक डोर बाकी है और इनका रिटर्न टिकट कंफर्म हो गया। जानी गुलाट मार के अपना सफर जारी रखा, दूसरी कामयाबी हासिल करके रास्ता बदल डाला, यहाँ भी भाग्य ने साथ दिया, एक दरवाजे का सवाल है ना, और ये अगले राउंड में पिटने के लिए सेलेक्ट हो गई। बीना बुआ चीख मार के अच्छा मोड़, टोपी नीचे सर ऊपर और अब ये नीचे दांची ग्रीप ले में। अब इस खिलाड़ी को ध्यान से देखिए और ध्यान से और ध्यान से देख लिया, आगे चलिए बात टू में हम आपको दिखाएंगे मशरूम ट्रिप पर ढीली पड़ती रस्सी और फिर गार्डन में जीतती जस्सी, लेकिन पहले मैं थोड़ा गला साफ करके आता हूँ। बम 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 स्वागत हम और पार्ट टू स्टार्ट करने के लिए टकले शामू को ले आए हम, लेट्स गो टू मशरूम ट्रिप फटाफट। रस्सी दिख रही है यानी मुहूर्त करेंगी कोई आंटी, तो जकड़ लिया मशरूम को और चक्री चल पड़ी, क्या आंटी के बाजू ट्रिप पूरी होने तक इनका वजन उठा सकेंगे, पैरों की पकड़ ढीली पड़ रही है, ये छूटे और अब बारी हाथों की और रस्सी ढीली पड़ गई और ये नीचे पड़ गई, नहीं रिवर्स शॉट देखिए कितना मजा आ रहा है, है? है? नहीं? है? मजा आया अगला खिलाड़ी हाथ थोड़ा आगे बढ़ा वे नींद सुख, अरे इतना आगे बढ़ाने को थोड़ी बोला था मैंने, कहां से आए थे तो बड़ा चश्मा पहन के आया था, वेल्डिंग करने जा रही है, है? ये भाई इसको क्या हो गया, लोटा बाल्टी चुराने जा रही है क्या? अरे चोर चाचा ने मशरूम को पकड़ा और ये कहते हुए पिकनिक पर चल पड़ा कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, या कल क्या हो किसने जाना भाई, अबे कल की क्या बोल गया तू, पहला मुझे तो अभी का पता है, ये बिल्कुल सही पांडे का फालूदा पीने वाला है तुझे पता नहीं। एक और रस्सी यानी एक और लेडी पैरों की पकड़ नहीं बना सकी है, सारा बोझ हाथों पर है लेकिन पकड़ मजबूत रख रही है, ये लेडी जीतेगी मुझे लगता है, मैं लिख कर दे सकता हूँ, आ गया प्लेटफॉर्म और बजा दिया जीत का अलार्म, सारा रम पम पम। ओ ये कोई तगड़ा आया, मशरूम को जकड़ा और चला, वेरी गुड, पैर छूट रहे हैं, अरे पैर छूट गए और सारा वजन एक हाथ पे, अरे तटका नहीं भटक गया, एक और चपाड़ू तैयार, मशरूम घुमा एक हाथ छूटा, कलाई मुड़ी और किस्मत तालाब में जुड़ी, पहले मुड़े फिर औंधे मुंह जाकर पांडे जी के गोबर से प्यास बुझाई, टेस्टी है ना, कोई एक और कुड़ी, कोई मैडम जी की रस्सी ढीली रह गई थी,
तो खुद ही ढीली पड़ गई। जाइए भाई, टाइट हो जाइए। भाई ये फिसल कर गिरी कि मछली पकड़ने के लिए अंदर कूद गई? मिस्टर ताकामोरी करके सीना जोरी, ढूंढने चले हैं गोरी। अगर ये जीत गए तो इनकी शादी पक्की भैया। ये पैर छूट गए, एक हाथ भी छूट गया, लेकिन जवान फिर भी टिका हुआ है और ये पहुंच गए शादी के मंडप में। क्या बात है। रामची रिप्ले में एक सवाल, क्या इन्होंने खाने के बाद पानी नहीं पिया था? अगली परीक्षा है अफिल गार्डन। कौन आ रहा है भाई? जापानी जय और वीरू। देखते ही पलट गए और इधर ये दोनों पलटी हो गए। अबे अल्टी पलटी में ही रिंग चढ़वा लोगे क्या भाई? टूट गए भाई जय और वीरू। ठीक है भाई, अलग अलग हमला करेंगे। ओ बगबगी बसंती, ओ चक्षु चुंदू ने हमला कर दिया। जय किंग फाड़ दिया, वीरू भागा। ओ वीरू हो गया पलटी और ये बहुत बड़ी हो गई। चक्षु चुंदू जीत गया। ये बेसबॉल लेके कौन आया भाई? पप्पू। पप्पू पास हो गया। पप्पू डांस नहीं कर सकता, पर पप्पू क्या बेसबॉल खेल सकता है ये अभी पता चल जाएगा भैया। अरे समलकू पाशा, समलकू ब्रेक लगाना जरा भाई। दोनों लोग एक दूसरे पे हमला किए, क्या हौला पत्थर कर रहे हैं यहाँ? आखा क्या इसी महाजन के पास गिरवी रखवा है क्या? आखा घर पे छोड़ के आया भाई? वार कर रहे या रिंग छिड़वा रहे, क्या कर रहे? अरे बेसबॉल क्लब आपके हाथ में, शॉट मार रहा खिलाड़ी भाई। पप्पू डांस भी नहीं कर सकता और बेसबॉल भी नहीं खेल सकता। अरे आप हमला कर रहे हैं जब चिड़िया खेत चुक गई। उट्टा अगले राउंड में चला, आपको अब पता चल रहा। होल कर डाला भाई, फोटा टी शर्ट पे लिखा अटेंशन, फिर भी आप अटेंशन नहीं हो रहे। अरे गिर गिर पड़ रहे, गुलाटियां खा रहे। अम्मा पप्पू के अंदर तो कोई बाजू छुपा हुआ था और पप्पू का सर धड़ से अलग होकर नीचे लुढ़क गया भाई। पप्पू गुलाट मारी, अब तो कुछ मीठा हो जाए भाई। ट्रिपल शॉट दिखा दिया। हरा जहरीला सांप और ये मास्टर डमरू आगे बढ़ रहा है। सांप नीचे और डमरू ऊपर जा रहे हैं। सांप का मुंह फिसला, खिलाड़ी ने रिंग पर हमला किया लेकिन रिंग बच गई। तो पिछले रिंग पर हमला, रिटर्न फायर हुआ, सांप का मुंह फिसल कर लेट गया। खिलाड़ी मुंह की तरफ झपटा, दुमची वाला खिलाड़ी की तरफ, तरफा तरफी में खिलाड़ी सांप के शिकंजे में कस गया, पिचकारियों और खिलाड़ी जीत गया। तुम ये समझते हो कि खिलाड़ी में दम होता? तो ये कौन है? जापानी चंगु मंगु, मेरे राम लखन, जापानी मक्खन चड्डी, पर इनकी है मजबूत हड्डी। ये अपनी बगलें सुधार रहा है और दूर से बगल की बदबू से कंटेस्टेंट्स को गिराने की कोशिश। वर्ल्ड वॉर टू के खोए हुए नौजवान ये वर्ल्ड वॉर थ्री की तरफ चले। चाचा चंपू ये क्या कर रहा है भाई? जा रहा है, आ रहा है, क्या कर रहा है ये? क्या, अरे चीटिंग, ये क्या पकड़ लेने का अलाउड नहीं है एक दूसरे की रिम? अरे बाप रे, ऐसा चीथड़े कर दिए। चार साल के बच्चों की तरह चप्पल हद होती है यार। रात की ग्रिप ले लायक तो ये सांप है भाई, जिसने कुंडली तो सही मारी मगर इनकी रिंग को खिलाड़ी ने डस लिया। अगला पड़ाव है ब्रिज बॉल। भैया आज गोल्डन बॉल नहीं पकड़ना है, बस पुल पार करना है। अगर शाही घाट पार करने दे भैया, आप खुद को कुछ भी समझे पर आप हैं एक फटके के, एक सिर्फ एक। निकल लो अपन दिल्ली से। आते ही मुहूर्त नंबर तीन हिल गया मगर पुल पर डटा हुआ है। एक और
एक और बंदा मजबूत है। यहाँ तो फटकों की बरसात हो रही है। अरे लगता है झाड़ू जूते बेलन से पिटने की आदत है। अब जा घर और फुड़वा अपना सर बीवी से। लेडी चली है घुटनों के बल और गार्ड को निशाना लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। धीरे धीरे हौले हौले और बड़ा चटाक से बोले बोले पैर लगता रही एक और सही जगह पे। अरे एक और रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी। पैर सुन हो गया उनका। ऐसे फटके तो किस्मत वालों को नसीब होते हैं। मैडम फिर से चल पड़ी और गुड तू कहा किसर गया था भाई खंडे, अभी तो चीख से खाते भी नहीं हुई। हमने तो मार के रखे हैं 100-100 बोल और तू यहीं से हो रिया था गोल। अब ये तो बोले बिना ही टिकट कटा गया भाई। आ गया अगला जवान। भाई आज तो ऐसी फायरिंग हो रही है भाई जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई हो। जवान टेढ़ा हुआ और पलटी खाता हुआ गया नीचे। क्या हाल है अगला खिलाड़ी पिछवाड़ दिखाता हुआ। बहुत डिटरमिंड लग रहा है भैया। यहाँ तो फायरिंग के धक्का धम और ये आग निकल गया। अरे वाह जियो मेरे लाल पीले काले। तो ये गीली बगलों को सुखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे थे। इनको भैया मोक्ष प्राप्त हो गया। फटकों की नगरिया का राक्षिक रिप्ले है ये। आप लोग पूछ रहे थे ना कि तिगनी का नाच दिखाना किसको कहते हैं, तो मेरे भाई वो इसको कहते हैं। अब डालते हैं एक नजर फ्यूरियस फ्लैशबैक। किसी ने भैया मारी गुलाब, किसी ने फोड़ा सर, किसी का हुआ फंडा, किसी का फूटा अंडा, मगर ये दीवाने किस्मत से टक्कर लेते रहे। बेशक इनमें से कई मेंटल असाइलम और हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन कुछ बच भी गए और वो लड़ेंगे अंतिम युद्ध शोडाउन में। स्टोरी सजी हुई गटर से विजेता कीड़े कस मसाते कुल बुलाते बाहर आ रहे हैं। आज जनरल के पास है 1-2-3-4-5 विजेता। शाही गार्ड मुकाबले के लिए तैयार और हमला शुरू। कमांडर का टैंक पीछे रुक गया है, बाकी सारे टैंक मैदान में। खिलाड़ियों के पहला वार ये देखिए खाली गया। कमांडर का टैंक भी जंग में कूद पड़ा। एक्सप्रेस गन से पानी की लंबी धार लपकी और रिंग को भिगो दिया। अब दूसरे बकरे की तलाश है। खिलाड़ी बिना किसी प्लान के इधर उधर भटक रहे हैं। कमांडर ने अकेले शिकार को तारा और उसकी रिंग को चीथड़े उड़ा दिए। टैंक घूमकर वापस आया और दूसरे रिंग पर हमला किया और ये रिंग भी जान गवा बैठा। गार्ड्स अपना रिंग बचाकर घूमे और यहाँ एक और रिंग को पानी पिला दिया। बीच से खिलाड़ी अपना रिंग बचाता हुआ भागा, लेकिन ये चारों तरफ से घिर चुका है और इसका रिंग भी भैया फोड़ दिया गया। चाय गार्ड ने एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया। कमांडर की टैंक से विजयी धार छोड़ी जा रही है। छोड़ दे और इन्होंने भी छोड़ दिया और हम भी छोड़ दे आपको और पकड़ते हैं अगली ट्रेन घर को। नहीं अभी कुछ नहीं आ रहा, बस नहीं आज काफी जाओ।